हेलो, कौन? दिन में शराब पी रखी है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं, पर जो तुमने कहा वो बिल्कुल सच है। इसके अलावा मेरे जिंदगी में कुछ सच बचा ही नहीं है। सब झूठ लगता है मुझे, सब। ये लोग, ये दुनिया, ये इंडस्ट्री, सिर्फ एक ही साथी है मेरा। कौन है पता है? ये शराब। एक वक्त था जब लोग मुझे सुपरस्टार कहके पुकारते थे। अब मेरा अपना कोई नहीं है, कोई नहीं। खैर, ये सब बातें मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ? पहले बताओ, कॉल किसके लिए किया था? कुछ नहीं, मैंने एक फिल्म लिखी थी। सोचा था अगर तुम मेरे बहन के अपोजिट काम करोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, करूंगा ना मैं काम, जरूर। पागल हो गए हो? तुम ऐसी हालत में काम करोगे? लाइक रियली? क्यों, मुझे क्या हुआ है? ठीक तो हूं मैं। मेरी आंखें ठीक है, मेरे नाक है, मेरे खान है, सब कुछ तो सही है। तुम स्क्रिप्ट मेल कर दो। मैं करती हूँ मेल तुम्हें। हाँ, तुम्हारी बहन से मुझे मिलना है। अरे इतनी जल्दी भी क्या है वंश? एक बार स्क्रिप्ट तो पढ़ लो, अब तुम्हें भी तो पसंद आनी चाहिए स्टोरी। इतनी मुश्किल से तो काम मिला है, अब इसे कैसे मना कर सकता हूँ मैं? तू मेल कर दो बस। बाय। हाय रुचिका, गुड न्यूज़ है, वंश मान गया है तुम्हारे अपोजिट काम करने के लिए। हेलो, हाय वंश, दीदी से नंबर लिया है तुम्हारा मैंने। मैं रुचिका। मैंने भी तुम्हारा कॉल उठा लिया, अभी बात करो। स्क्रिप्ट पढ़ी आपने? नहीं, तुमने? मैंने तो कब का पढ़ ली। अच्छा है। वैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? इसके पहले कुछ काम किया है? एक्सपीरियंस तो नहीं है मेरा, बस एक्टिंग का, मतलब एक्टिंग करने में मुझे इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट? वो तो जल्दी चला जाएगा। बाय। क्या हुआ तुम्हें ऋषि? इतना क्यों मुंह बनाए हो? ये कौन पागल इंसान है? इतना रूड है वो वंश? इसके साथ मैं कैसे काम करूंगी दी? इट इम्पॉसिबल, ही सो रूड। कम ऑन ऋषि, इतने कम पैसों में ना यही मिला, और ये अपने जमाने का सुपरस्टार है। और वैसे भी मैं इस फिल्म के जरिए तुम्हारी और वंश की जिंदगी बना दूंगी, समझी? ट्रस्ट मी। और वैसे भी वंश इतना भी रूड नहीं है, एक बार उसके साथ काम करने लग जाओ सब ठीक हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी। अब सो जाओ जल्दी। ठीक है, पर दी मुझे अभी भी लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है यू डिड नॉट मेक द राइट डिसीजन दी। हेलो। हाँ, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है, बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट है, पर मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। बाय। थैंक गॉड ये सपना था। वंश ने मुझे अगर सच में अकेले मिलने को बुलाया तो मैं तो उसको मना भी नहीं कर पाऊंगी। अब मैं क्या करूं? मुझे दीदी से एक बार बात करनी चाहिए इस बारे में, पर दीदी तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, बट क्या?